Hey guys, लेके आ गए आपके लिए बहुत ही अच्छा फोन। आज हम बात करने वाले Realme 6i के बारे में। इंडिया में दोस्तों 6i के नाम से लॉन्च हो रहा है। फिलहाल के लिए Realme यूरोप में इसको 6s के नाम से लॉन्च किया इन्होंने। तो दोस्तों सेम स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ सेम है। बात करते हैं इन फोन के बारे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों बहुत ही प्रीमियम ग्लॉसी फिनिश के साथ पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ Realme 6i। पीछे के साइड में दोस्तों क्वाड कैमरा का सेटअप है। फ्रंट में आपको सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें, यहाँ पे आपको एक 30 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। स्क्रीन की बात करें, यहाँ पे आपको 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और क्योंकि यहाँ पे IPS LCD स्क्रीन है दोस्तों, यानी कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको पावर ऑफ ऑन बटन के पास, और साथ ही में आपको फेस अनलॉक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी के लिए। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पे बैटरी की, 4300 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। 30 वॉट का फ्लैश चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे दोस्तों 100% आपका 55 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। ऑल्दो दोस्तों यहां पे अगर हम कंपेयर करें Realme 6 से, तो ये काफी सिमिलर फोन है दोस्तों Realme 6 के जैसे ही फोन है। बस यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक माइनर से चेंज किया है कि यहाँ पे दोस्तों कैमरा के सेटअप में पीछे के साइड में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं Realme 6 में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर हम लोग फ्रंट कैमरा की बात करें, यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छे शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे इस फोन में। अब अगर दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी की है। G90T का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। Helio G90T बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों। Realme UI के साथ आएगा, Android 10 पे होगा दोस्तों, जहां पे अगर हम लोग इसको Realme 6 से कंपेयर करें, सभी कुछ सिमिलर है दोस्तों। पूरा फोन इन्होंने सेम टू सेम बना दिया है। यहाँ पे दोस्तों प्राइस यहाँ पे कट ऑफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मेन सेंसर कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। ऑल्दो दोस्तों सभी कुछ सेम है, तो दोस्तों अगर हम लोग कैमरा की बात करें, उतने भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है दोस्तों। 64 मेगापिक्सल का सेंसर आप बहुत ही कम यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग बजट फ्रेंडली फोन की बात करें दोस्तों, अगर आप 10-12 हजार के लिए फोन लेना चाहते हैं, तो आप ये फोन को ले सकते हैं, जहां पे इसका एक्सपेक्टेड प्राइस मुझे लगता है 12,500 से 12,999 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका 4GB रैम का वेरियंट 64GB स्टोरेज के साथ, और दोस्तों आपको यहाँ पे सेल इसकी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो गाइस ये एक ऑफिशियल लीक थी, पूरा स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, कंफर्म स्पेसिफिकेशन है इस फोन के। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है काफी अच्छा फोन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप अपने रिव्यूज मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा ये फोन, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ऐसी ऑफिशियल लीक्स और स्पेसिफिकेशन वीडियोस के लिए। इतने दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग।